अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं सलमान हसन और मैं सैयद आयशा नाज। सबसे पहले है टाइम। परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए दरख्वास्तों की समाअत आज फिर होगी। बेनजीर कत्ल केस में गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज हो रहा है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। लाहौर का सबसे बड़ा हलका एनए 128, मसाइल इतने के खत्म न हो। तीनों बड़ी पार्टियों के साथ मुतादिद आजाद उम्मीदवार भी मुकाबले में। कराची में फायरिंग से दो अफराद जान बहक। शाह फैसल, ग्रीन टाउन और सोहराब कोर्ट में रेंजर्स का ऑपरेशन, मुतादिद अफराद जेरे हिरासत। पारा चनार में बारूदी सुरंग का धमाका, एक शख्स जान बहक, दो जख्मी। करक में पुलिस मुकाबला, एएसआई समेत तीन अहलकार जान बहक, एक मुलजिम भी मारा गया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में पाकिस्तानी नजाद साद लोधी दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार। पंजाब में खतरे की वबा बेकाबू, मेयो अस्पताल लाहौर में 8 महीने का बच्चा जान बहक, हलाकतें 62 हो गईं। मलेरिया से बचाव का आलमी दिन। दुनिया में हर साल 6.5 लाख अपराध मर्द का शिकार हो जाते हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज भी बादल बरसने का इम्कान। साल का पहला और सदी का तीसरा मुख्तसर तरीन चांद ग्रहण आज मुख्तलिफ ममालिक में 27 मिनट तक दिखाई देगा। कराची में फैशन शो, शुरका मॉडल की दिल फरेब अदाओं से महजूज होते रहे। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद।